हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर को, आज हम उसी आउटपुट डिवाइस के अंदर एक दूसरा डिवाइस जो प्रिंटर है। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रिंटर का उपयोग कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, लेकिन जो कंप्यूटेशन एग्जाम होते हैं उसमें प्रिंटर के अंदर से मतलब इसकी बहुत टफ क्वेश्चन बनता है। तो आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्रिंटर रिलेटेड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिंटर, आप सभी ने इस प्रिंटर का नाम तो सुना ही होगा, प्रिंटर का उपयोग होते हुए आपने देखा होगा, हो सके तो आपने प्रिंटर का उपयोग भी किया है, आज होता भी आ रहा है प्रिंटर का उपयोग। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर एक क्या है, मतलब प्रिंटर एक कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कहने का मीन्स किसी कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन पड़ी रहती है, जो आपके द्वारा टाइप की गई है, उसी दस्तावेज को बाहर निकालने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? प्रिंटर का उपयोग करेंगे। और बाहर निकालने की वजह से इस प्रिंटर को कौन सा डिवाइस कहा जाएगा? आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा, है ना। हमने नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर डिवाइस को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। लेकिन इनमें से आज जो हमने टॉपिक वो पढ़ा रहा हूं वो आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर का है। इनपुट डिवाइस का हमने आगे वाले वीडियो में कवर कर लिया है। ऐसे कोई आपको और भी डाउट हो तो आप मतलब इसकी कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मेरे को मतलब इसकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको आसानी से वहां पे मतलब इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देखो प्रिंटर एक कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब देखो प्रिंटर की डेफिनेशन किस टाइप से याद रख सकते हैं। देखो प्रिंटर का आप उपयोग होते हुए देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि प्रिंटर का उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, लेकिन जो डेफिनेशन होती है परफेक्ट डेफिनेशन वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। देखो प्रिंटर का, प्रिंटर प्रिंटर वह कंप्यूटर डिवाइस है, प्रिंटर वह कंप्यूटर डिवाइस है जो किसी सॉफ्ट कॉपी को, आपको मालूम है सॉफ्ट कॉपी किसे बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी यानी वह कॉपी जिसे ओनली फॉर देख के महसूस किया जा सकता है, जो आपके कंप्यूटर में लिखी हुई कोई कॉपी है, जो कंप्यूटर में लिखी हुई कोई एप्लीकेशन है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। तो जो अंदर सॉफ्ट कॉपी पड़ी है उसी सॉफ्ट कॉपी को ये क्या करता है, ये उसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। क्या करता है? हार्ड कॉपी में बदलता है, यानी उस सॉफ्ट कॉपी को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बाहर निकालने की वजह से ही प्रिंटर को कौन सा डिवाइस कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्न में से वह कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है जो किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है। तो उसमें आपको याद रखना है कि वो डिवाइस कौन सा होगा? प्रिंटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना थोड़ा इस वीडियो को देखने में। देखो इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रिंटर जो बाहर निकालता है वो क्या निकालता है, किसी कागज को प्रिंट के माध्यम से बाहर निकालता है। लेकिन आपको याद रखना है कि और भी इनमें से क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर मतलब इसकी इसकी स्पीड होती है और एक इसकी क्वालिटी होती है, जो कागज बाहर निकलते हैं उसकी क्वालिटी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रिंटर की क्वालिटी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कई बार, प्रिंटर की क्वालिटी होती है, प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है? सीधा सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है? तो इसका सीधा सा मतलब इसके एग्जाम आपको याद रखना है कि किसमें मापी जाएगी, ये प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई में मापी जाएगी। किसमें मापी जाएगी? डीपीआई में मापी जाएगी। और इस डीपीआई का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, तो आपको याद रखना है डीपीआई में। और ऐसा क्वेश्चन बने कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है डीपीआई का पूरा नाम क्या होगा? डॉट पर इंच होगा। क्या होगा? डॉट पर इंच होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से,
कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है डॉट पर इंच होगा, यानी आपके प्रिंटर से जो कागज बाहर निकलता है वो उस कागज की क्वालिटी क्या है, तो वही क्वालिटी मापने वाला इसमें क्या कहलाएगा, डीपीआई कहलाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर प्रिंटर की स्पीड की बात की जाए, यानी प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, यह भी क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में कि प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो मापी जाती है ppm में, किसमें मापी जाएगी, ppm में मापी जाएगी। तो आपको याद रखना है एक तो इसकी प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रिंटर ppm जो होता है, जो ppm होता है, इस ppm का पूरा नाम क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है ppm का पूरा नाम क्या होगा, पेज पर मिनट होगा। क्या होगा ppm का पूरा नाम, पेज पर मिनट होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो ppm में मापी जाती है, और ppm का पूरा नाम क्या होता है, पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज बाहर निकालने में सक्षम है वो प्रिंटर की स्पीड कहा जाती है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं प्रिंटर के टाइप्स के बारे में, ठीक है। स्पीड और क्वालिटी की बात की जाए तो वो मैंने आपको बता दिया अभी कि स्पीड तो मापी जाएगी ppm में और क्वालिटी मापी जाएगी डीपीआई में। अब देखो हमें याद रखना है कि प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके जो प्रिंटर के जो कार्य क्षेत्र थे वो दो टाइप से, अलग अलग टाइप से डिवाइड थे। यहाँ पे प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर को हम यहां पे दो भागों में देखेंगे, एक तो होता है मतलब इंपैक्ट प्रिंटर, एक तो क्या होगा इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होगा यहां पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, क्या होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। या आपको याद रखना है, देखो प्रिंटर को हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए इन दोनों के मतलब इसकी आपको याद रखना, दोनों को मतलब इसकी कि इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है, और नॉन इंपैक्ट कार्य तो दोनों का एक जैसा ही होता है, यानी कार्य दोनों का एक ही जैसा होता है, ये भी कागज को बाहर निकालता है और ये भी कागज को प्रिंट करने के बाद में बाहर निकालता है। लेकिन इस दोनों के अंदर मतलब इसकी अंतर ये है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट की तुलना में, इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं, थोड़ा ये वाले मतलब इसकी प्रिंटर थोड़े स्लो होते हैं, कार्य करने के आधार पे देखे तो भी स्लो होते हैं, और इसकी क्वालिटी की बात करें तो भी स्लो होते हैं। यानी कहने का मतलब आज के टाइम में जो भी आप हर एक घरों में है, दुकानों में है, और भी ऑफिसों वगैरह जो प्रिंटर देख रहे हैं वो ज्यादातर किस प्रिंटर के उदाहरण है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और आज के टाइम में जो ज्यादा प्रचलित प्रिंटर है, जो ज्यादा यूज आ रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए पहले हम इंपैक्ट को देखते हैं, यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इसको हम दो टाइप से हम देखेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर को दो टाइप से देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है, एक तो इसके अंदर हम देख सकते हैं उदाहरण, कैरेक्टर प्रिंटर, इंपैक्ट का हम पहला उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा इसका हम उदाहरण दे सकते हैं लाइन प्रिंटर। एक तो कौन सा देखेंगे हम, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा हम देखेंगे लाइन प्रिंटर। देखिए इन दोनों में क्या होता है, मतलब कार्य एक जैसे ही है, लेकिन आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रिंटर एक समय में ओनली फॉर एक ही वर्ड को प्रिंट करने में सक्षम है, वह प्रिंटर कौन सा कहलाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर। यानी वह प्रिंटर जो एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करने में सक्षम है वो कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर। और वह प्रिंटर जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करने में सक्षम है, मींस कौन सा प्रिंटर कहलाएगा, वहां पे लाइन प्रिंटर कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों के अंदर आप उदाहरण भी देख लो, मैं आपको दो यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं। इसका एक तो आपको याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स, एक तो इसका आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा आपको यहां पे याद रखना है, इसी कैरेक्टर के अंदर आपको याद रखना है डीजी बिल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर,
डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि ये किस प्रिंटर के उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। आपको याद रखना है कि इंपैक्ट के आखिर में उदाहरण है कैरेक्टर और लाइन, और उसी कैरेक्टर में आपको देखेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आप देखोगे तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन हमेशा आरएसआईटी और अन्य एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि निम्न में से वह कौन सा प्रिंटर जो एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करने में सक्षम है। आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रिंटर, और यह भी क्वेश्चन बना हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप अगर इसको देखेंगे, किसको, लाइन प्रिंटर को देखेंगे, तो लाइन प्रिंटर के भी आपको दो उदाहरण दे देता हूं, तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एक तो आपको याद रखना है चैन प्रिंटर, एक तो आपको याद रखना है चैन प्रिंटर, और एक इस लाइन प्रिंटर का उदाहरण होगा ड्रम प्रिंटर। एक तो कौन सा होगा चैन प्रिंटर, और दूसरा आपको यहां पे याद रखना है ड्रम प्रिंटर। ये दोनों प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है, लाइन प्रिंटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आखिर में ये कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर के। चलिए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि लाइन प्रिंटर के दो उदाहरण है चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ज्यादा एग्जाम में यूजफुल तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि कैरेक्टर इस लाइन प्रिंटर के भी दो उदाहरण दे सकते हैं, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो नॉन इम्पैक्ट होता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसके काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। देखिए, जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम यहाँ पे चार उदाहरण दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं यहाँ पे, चार उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, इस नॉन इम्पैक्ट के अंदर मैं पहला आपको चार उदाहरण दे रहा हूँ। पहला इसमें उदाहरण देख सकते हैं इंक जेट प्रिंटर, कौन सा होगा, इंक जेट प्रिंटर। इसका पहला उदाहरण कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर। देखिए, वह प्रिंटर जो प्रिंट करते वक्त बूंद या स्याही का इस्तेमाल करता है, जैसे आपका कागज रोल होगा उसमें बूंदों का छिड़काव होगा, और बूंदों का छिड़काव होने के बाद में उसके ऊपर वो जो भी कैरेक्टर होंगे, जो भी अक्षर होंगे, वो उसके ऊपर छप जाएंगे। तो उसमें आपको देखना है कि वह कौन सा प्रिंटर है जो स्याही या फिर आपको स्याही या फिर इंक का इस्तेमाल करता है। आपको याद रखना है वो कौन सा प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर। इंक से पता लग रहा है इंक का मीन स्याही होगा, तो वह प्रिंटर जो इंक का इस्तेमाल करके पेज को बाहर निकालता है मीन इंक जेट प्रिंटर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर, दूसरा इसके अंदर उदाहरण कौन सा है, लेजर प्रिंटर। आज के टाइम में आप दुकानों पे जेरोक्स वगैरह निकलवाने जाते हो, और भी मतलब इसकी आप ई मित्र पे वगैरह कोई भी काम करवाने जाते हो, तो जो आप मतलब इसकी वो ब्लैक एंड व्हाइट फाइल जो भी मतलब इसके आप प्रिंटर देखते हो, यानी कहने का मीन ये हुआ कि लेजर प्रिंटर का आप कैसे पता लगाओगे ये लेजर प्रिंटर है, यानी वह प्रिंटर जिसमें टोनर और सूखा ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। टोनर और पाउडर का इस्तेमाल करने वाला कौन सा प्रिंटर है, तो आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर होता है। इसमें मतलब क्या होता है, एक टोनर होता है और एक इसमें सूखा पाउडर डाला जाता है, वो जैसे टोनर घूमता है तो उसके ऊपर पेज सफा होकर बाहर निकलता है। आपको याद रखना है ये भी, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि लेजर प्रिंटर का क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर किसे कहेंगे, तो आपको याद रखना वह प्रिंटर जिसमें टोनर या सूखा पाउडर का इस्तेमाल होता है और वो उस पेज को बाहर निकालता है। तो ये भी लेजर और इंकजेट ये भी किसके प्रिंटर होंगे, नॉन इंपैक्ट की तुलना में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका तीसरा एग्जाम्पल और भी दे सकते हो यहाँ पे, थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। देखो, थर्मल यानी वह प्रिंटर जो गर्म धातुओं का उपयोग करता है, वह प्रिंटर जो गर्म धातुओं का उपयोग करने के बाद में उस स्लिप को बाहर निकालता है, कागज को बाहर निकालता है, वो वाला प्रिंटर आपको याद रखना कौन सा होगा, थर्मल प्रिंटर होगा, है ना। आपको याद रखना एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो जो बाद में जो पैसे निकालने जो आपको इंक्वायरी के लिए जो स्लिप दी जाती है कि आपने कैश कितने पैसे निकाले, कितने आप अंदर है अभी आपके अकाउंट के अंदर है, तो जो स्लिप निकलती है वहां पे जो जो मशीन होता है जो स्लिप बाहर निकलती है, वो वाला हम किसका उदाहरण दे सकते हैं, थर्मल प्रिंटर का, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है, अब सबसे लास्ट वाला मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं, यहाँ पे इसका सबसे लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, प्लॉटर। प्लॉटर वह प्रिंटर है
है तो नॉन इंपैक्ट का उदाहरण, लेकिन आपको याद रखना प्लॉटर वो प्रिंटर है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली, सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि वह कौन सा प्रिंटर है जो सबसे उच्च स्तरीय या फिर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का उत्पादन करता था। आपको याद रखना वो कौन सा प्रिंटर होगा, प्लॉटर। देखिए वह प्रिंटर जो इंक का इस्तेमाल करता है, इंक जेट प्रिंटर। वह प्रिंटर जो टोनर और सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेजर प्रिंटर। वह प्रिंटर जो गर्म धातुओं का उपयोग करके हीटिंग होकर वो जो स्लिप बाहर निकलती है तो गर्म धातुओं का उपयोग करने वाला प्रिंटर कौन सा होगा, थर्मल प्रिंटर। और वह प्रिंटर जो सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है वो आपको याद रखना है, प्लॉटर। है ना, तो यहां तक आपके देखो प्रिंटर का जो वीडियो था ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो वीडियो को मिस ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।